नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत इस वक्त सोनीपत जिले के खरखोदा तहसील के पीपली गांव में खड़े हैं। और पीपली गांव का ये शिव मंदिर है जहां पर एक विश्व की अनोखी प्रतियोगिता जो है वो चल रही है। प्रतियोगिता का नाम है चूरमा कंपटीशन, जो विश्व की छठी अनोखी प्रतियोगिता है। आयोजक कमांडो आशीष दहिया है, गांव के लोग हैं, मोजीज लोग हैं जो फिलहाल आप पगड़ियों में देख सकते हैं। और इस प्रतियोगिता का एक अनोखा मामला मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में जो हरियाणवी वेशभूषा में आएगा उसकी एंट्री फ्री रखी गई है, और जो सबसे ज्यादा चूरमा खाएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। कमांडो आशीष दहिया हमारे साथ हैं, बाकी सब लोग हैं जो हरियाणा वेशभूषा में आप इनको देख सकते हैं। इनसे बात कर लेते हैं, पूरा मामला क्या है, क्या इनाम रखे गए हैं और यूनिक चीजें क्या है। आशीष भाई, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ बताना चाहोगे दर्शकों को? आड़ा तो सब कुछ अलग है, सब कुछ इतना अलग है कि वो चीज़ है जो आपने ना कदे सोची ना कदे देखी होगी। वो चीज़ आड़े 14 नवंबर 2020 ने शुरू हुई थी, आज छठी बार हो रही है। चूरमा खाओ और इनाम पाओ, खाओ चूरमा बनो सूरमा। दुनिया के अलग अलग कोने तय दूसरे देशों तक ये मानस आ रहे हैं, भारत के कई राज्यों के आदमी आ रहे हैं, अलग अलग गाँव के आदमी आ रहे हैं और उस चीज़ ने ले कर आ रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू करी थी। कुछ भी अलग नहीं कर रहे, क्या जो हमारे बूढ़ा ने राह दिखा था उस राह पर चल रहे हैं, पर थोड़ा रूप बदल रहा है। क्या पहले घर खा करते, इब घर खाना छूट गया तो कंपटीशन नाम दे के आड़ा खवाना सिखा रहे हैं, इतना ही कुछ है। नया साल का दिन है आज, लोग तो पहाड़ पुढ़ा में जहाँ दारू दू रुपये अलग चीज है, आड़े चूरमा खवाने लग रहे हो। नए साल पे यार लोग आड़े क्यों आ रहे हैं उसके बारे में ये आने वाले बताऊंगे। अब बिहारी स्वीटी मलिक साइकिल पर आई है यार, रोहतक ताड़े ती ये भाई साहब आ रहे हैं, 70 का हरियाणा पूरे दुनिया में संस्कृति का नाम दे रहे हैं, ये भाई साहब आ रहे हैं उसके बारे में ये बताऊंगे। ये पहाड़ा में क्यों ना गए, आड़े क्यों आए, इन तबूजो उसके बारे में। फौजी साहब है हमारे साथ 70 का हरियाणा, भाई साहब क्या कहना चाहोगे? लोग तो मतलब पहाड़ पूड़ा में जाओ दारू पियो बढ़िया एंजॉय चल रहा है, नए साल का दिन हाँ पहाड़ चूरमा खाना रहे पगड़ी बांध के। भाई जिसने अच्छी चीज का शौक होगा ना वो अच्छी जगह जाएगा, ठीक है। दारू पीने वाला दारू पीने की जगह जाएगा, उसके दिमाग में जब उसका घर लूट लेगा, बालक बर्बाद हो लेंगे, जब उसके दिमाग में आओगी जब वो भी फिर आड़ा आना शुरू करेगा। तो हमने तो भाई फौज में 17 साल रह लिए, कदे हमने तो चाह भी ना पी के देखी। दारू तो बहुत चीज दूर की बात है, मतलब इस धरती पर जितने नशे हैं ना उसमें से एक भी नशा नहीं करता मैं तो कोने मर मैं तो जीवन हुई भी, अरे भगवान ने चाहिए तो और जवाब होगा इब तो हमने तो नशे ही कोई जरूरत को नाम था, अच्छी चीज़ा ही जरूरत है। जड़ा भी अच्छी चीज़ होगी, जड़ा संस्कृति खातर काम होगा पूरा हम जरूर जावाएंगे। और आज के दिन है ना संस्कृति खातर काम करना है ना सब तो मतलब टफ काम हो रहा है, क्योंकि एक तो संस्कृति खातर काम करो और फिर बदनामी बोल लो, लोग बदनाम भी कर रहे हैं, यो न्यू खा गया यो न्यू खा गया, ना तो खुद काम करते ना दूसरे ने करने देते हैं। वे कौन लोग हैं जो बदनामी कर रहे हैं, संस्कृति को जो आगे बढ़ा रहे हैं उन लोगों की बदनामी करने वाले लोग कौन है, इसी समाज के हैं कौन लोग हैं? बस समाज में तो इस समय हैं और को ऑस्ट्रेलिया थोड़ी आए हुए बड़े रहे हैं सारे। मनसा क्या है उनकी, इसके पीछे क्या मनसा हो सकती है? मनसा तो बेनू चाहो हमारे जिसे नंगड़ हो जाए अभी, आजकल वो नंगड़ गाना आ रहा है, मतलब आड़े इतने आदमी आ रहे हैं, लुगाई भी आ रही हैं, बहन बेटी भी आ रही हैं, उनमें तो कोई एक आदमी नू बता देना अग भाई हम नंगड़ हाँ, मैं मान जाऊ उसने मुँह मांगा नाम दे दूँ भाई, अग जो नू कहते मैं नंगड़ हूँ, फिर जब कोई नंगड़ नहीं तो गाने ने क्यों सुना भाई, क्यों सर पर चढ़ा रखा है? कम से कम भाई उनके घर बनी होगी यह बात, तो उनके घर बनी है तो भाई उस बात ने अपने घर रखो ना, कोई चीज़ पर्दे में रखने की हो है, कुछ बात हो है, कुछ काम इसे हों जो पर्दे में अच्छे लग गया करें, नू ना कुछ ना सबके साथ मिला कर रख दो, तो सब गाने बनाओ जिस तक कुछ संदेश मिले, कुछ लोग मोटिवेट हों, बालक आगे बढ़ाए अच्छे काम खातर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं कड़वा बहुत गाना बोल यारू भाई, जिस तक मतलब दिक्कत है हरियाणा कलाकार ने बेशक दिक्कत रहे जी हूँ इतने नुए कड़वा बोलूँगा भाई। जोगल तो होगा स्वीटी मलिक है हमारे साथ, रोहतक से साइकिल पे चल के आई है, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे साइकिल पे, आप यहाँ पहुँचे हो क्या कहना चाहोगे? भाई मैं स्वीटी मलिक, मैं भी चूरमा खा गए, इतनी ताकत आई है मेरे अंदर, तो चूरमा मच्छा देसी खाना खावांगे तो ताकत तो अपने आप आओगी, तो खाओ चूरमा बनो सूरमा, या जो मिसाल है या असलियत में है, हम अच्छा भोजन लेवांगे अच्छा खाना खावांगे तो दमदार तो होवाएंगे, और फिर कितने देर साइकिल चला लो चाहे कितने किलोमीटर चला लो। अच्छा तो ये एक यूनिक चीज पता चली है कि भाई अगर चूरमा खाओगे तो बनोगे सूरमा। नवनीत उड्डा हमारे साथ हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, दिल्ली से अपने ड्यूटी छोड़ के वो यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहोगे नवनीत भाई यहाँ पहुंचे? भाई
रीत पुरानी छूट गई, इब ढंग बदला हरियाणा का। और कुछ कुछ आया भेद समझ में दादा लक्ष्मीचंद के गाने का, नू कह रहे दादा लक्ष्मीचंद ने 100 साल पहले ही बता दी थी, नू होगा नू होगा। अरे वो बात सच्ची होने लग रही है। हम धन्यवाद करना चाहूँ भाई आशीष कमांडो का, भाई धमल फौजी का, अजी ने नई पहल चालू कर रखी है, जी ने पहली इस 2020 में चालू कराई थी, जब तक लेगा रीति या कंटिन्यू छठी प्रतियोगिता होने लग रही है। देश के अलग अलग कोने में पहुँच ली की तरह राजस्थान में भी होली है, उन्होंने पानीपत के चुकड़ता होने लग रही है। हम मैं फिर दोबारा अपने जिसे इस देश के युवा हैं उन युवाओं ने यही संदेश देना चाहूँगा, अगर भाई अपने देसी खान पान पर ध्यान दो, अपने देसी पहनावे पर ध्यान दो। बस जय हिंद जय हरियाणवी। नवनीत भाई मेरा एक सवाल आपसे, 20-25-30 साल की उम्र है आपकी, नए साल का दिन है, लोग पहाड़ा में जावा दारू पीवा उड़े थे, वीडियो बनाओ आज भला इंजॉय करके आए, हाँ पहाड़ा रहे हो वह देखी थी भाई, ऑडियो भी देखी थी, वह वीडियो भी देखी थी, वह कल 3 दगड़ गाड़ी आपस में टकरा कर पहाड़ा बढ़ रही थी, चले जाओ फिर खा लो उड़े, फिर उड़ा जाकर भंडारा खाओगे उड़ा जाकर दारू पी जा सके है। ये भाड़ा अपने अपने तब नए साल अनु को ना करते, वह गऊ ही सेवा ना करते, आजकल अनु का गऊ खत्म हो गया, किसकी गलती, हमारी गलती है, अगवा गऊ ही सेवा गऊ ना रहनी गऊ, पर गऊ माता की कदर होया करती, पहले गऊ का जाया कमाया करता, सारा कड़ूबा खाया करता, ये वो गऊ है तो पूछते को ना अपना ठाव है लड्डा ना अपना भाज लें पाड़ा में, पहले एक उसके उसमें चलिया करते भाई, हाँ भाई गऊ माता ही भरोसा रहा करता, वो बछड़ा अपना कमाया करता, सारा कड़ूबा वो हल भी पाया करता, गऊ माता मरता दूध भी दिया करती, इतना सात्विक आहार था जो आज के दिन वो सात्विक आहार। मैं ग्रामीण परिवेश में रहा करूँ और उड़ा जा कर नू समझ माओ भाई, अब शहर में 6 महीने हो गए ज्वाइनिंग करे ने, तो इन नू समझ माओ है अगर भाई उड़ा जा कर ने इतना गंदा पोल्यूशन और ये वो इतना गंदा खाना मैंने कितने भी नहीं देखा, बेशक हमारी देश की राजधानी है लेकिन यह बात बड़ी दुखी मनता है कहनी पड़ रही है, अपने गांव का जो माहौल है वो अपने बचा लो, कुकर बचाया जा, तो बस यही बात कहनी चाहूँगा, धन्यवाद। ये वन विभाग के अधिकारी सुखविंदर सिंह क्या कहना चाहोगे? सबको राम राम भाई, मैं कहना चाहूँगा भैया आज चूरमा खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता करवा जा रही है, पिपली गाँव के अंदर जो धमल फौज साहब और अपना आशीष दिया कमांडो जी दवा करवाई जा रही है, इन्होंने जो इतनी अच्छी पहल की है भैया, जो हरियाणा की शान बान और खान पान होता है पहनावा होता है उसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं, मैं चाहता हूँ कि इन इन लोगों का आप हौसला बढ़ाएं और ऐसे कार्य करें, धन्यवाद। तो ये साथी है हमारे साथ भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? भाई साहब सबसे पहले तो सारे भाई राम राम, भाई मैं रोबिन खरब गांव वाड़न है जिला हिसार अपना, तो भाई संस्कृति के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सारे भाई, बड़ा अच्छा लग है, फौजी भाई ने अच्छी शुरुआत कर रखी है, तो हमने प्राउड फील हो है, हम भी आए हैं भाई, फौजी भाई तैलान हैं, बड़े बढ़िया भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो जब सोशल मीडिया आजकल हम देखा हैं सारे भाई देखा हैं तो गंद बहुत माज रहा भाई साहब, तो मन दुखी हो है देखा हाँ, तो उस पर हमने भी नू लगा भाई गलत हैं चीज़ें, तो अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं भी हिसार से अभी यहाँ आया हूँ प्रोग्राम में, धोती कुर्ता पहन के समाज को दर्शाने के लिए दिखाने के लिए भाई, अच्छा खाओ अच्छा पियो, देसी रहन सहन होना चाहिए और संस्कार भाई साहब तभी बढ़ाएंगे जब आप देसी रहन सहन में रहेंगे, और यदि वो मॉडर्न लाइफ जीने के चक्कर में जो भी मॉडर्न लाइफ है जीवन लोग भाई वो दुखी रहे हैं, ठीक है सर, तो बढ़िया बात यह है और सारे भाइयों ने मैं तो यह कहना चाहूँगा भाई देसी खाओ बिल्कुल देसी पहरो और अपने समाज में अपने बूढ़े दोरों का कहता हूँ बैठो, सबसे बढ़िया बात यह है भाई, और सारे सोशल मीडिया माध्यम से भी मैं जितने भी भाई हैं सारा तो यह अपील करना चाहूँगा भाई, बढ़िया चीज़ देखा करो, बढ़िया काम करा करो, समाज में रहना है, सब भाईचारा में रहना है, वही बात है, 2 दिन फूटता तो 2 दिन की है भाई साहब, ठीक है, और असली बात है भाईचारा, ठीक है, तो यही बात है भाई सारे भाई राम राम। तो ये उगाड़न हिसार से यहाँ पहुँचे थे, आप सब लोगों ने देखा था डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जो है वो हमारे साथ हैं, बीकानेर से चल के वो इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ पहुँचे थे, डॉक्टर शिवदर्शन मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे बीकानेर से चल के आप इस चूरमा प्रतियोगिता में पहुँचे हो, क्या कहना चाहोगे? अपनी संस्कृति अपना जो माहौल है उसकी तरफ दुनिया वापस लौट रही है, इस बार जब आप 2023 का स्वागत कर रहे हैं तो 2023 जो है विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया है, तो इस प्रकार से जो बाजरा है ये अपनी कल्चर है, अपनी जो चीज़ें हैं वो वापस आ रही हैं, तो हम सबको मिलके इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं रात को बीकानेर से पहुंचा था, सुबह उठ के मैं सीधा यहाँ पे आया हूँ। बीकानेर से इस प्रतियोगिता के लिए आप पहुंचे थे? हाँ सिर्फ बीकानेर से इसी प्रतियोगिता, वरना मेरा वहाँ पे काम था, वहाँ पे अपना मेरी फैक्ट्री भी है वहाँ पे और गायें भी मेरी वहीं पे हैं, उनको छोड़ के मैं यहाँ पे आया। तो आप देख सकते हैं कि बीकानेर लगभग 600 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो तय करके केवल इस प्रतियोगिता के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे, विदेशों से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, तस्वीरें आप iBN24 पर सोनीपत जिले के खरखोदा से देख रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।